ना अमेरिका, ना ब्रिटेन, ना ही फ्रांस या फिर जर्मनी। कई सारे बड़े बड़े देश इसराइल की हैफा सिटी में एंट्री चाहते थे। कई देशों की मल्टीनेशनल कंपनीज ने अप्लाई किया था, लेकिन इसराइल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है भारत को, जिसके बाद अब भारत और इसराइल के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। ये चीज तो हमें पता है कि भारत में प्राइवेटाइजेशन काफी समय पहले शुरू हो गई थी। कई दशकों तक नुकसान झेलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कई सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस की ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को ट्रांसफर कर रही है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की कंपनीज की इक्विटीज के पार्ट्स को बेचकर प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जा रहा है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट की जा रही है, ताकि इनकी एफिशिएंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ पाए। ये सब करने का मेन कारण है कि ये पब्लिक एंटरप्राइजेस कई दशकों से लॉस में जा रहे थे। सरकार को टैक्स पेयर्स के पैसे इनमें हर साल और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते थे, लेकिन प्रॉफिट कोई नहीं होता था। हालांकि भारत में भी कई सारे लोग प्राइवेटाइजेशन के काफी खिलाफ हैं, लेकिन इसराइल की गवर्नमेंट ने अब कई दशकों के बाद प्राइवेटाइजेशन का फैसला किया है, जिसके लिए उसने कई देशों की कंपनीज के बीच भारत को चुना है। दरअसल इसराइल की हैफा सिटी में इसराइल की गवर्नमेंट हैफा पोर्ट को ऑपरेट कर रही थी, लेकिन उनको इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कार्गो शिप्स का वेटिंग टाइम काफी ज्यादा बढ़ रहा था, सामान कई दिनों तक पोर्ट के ऊपर ही पड़ा रहता था, कई बार सामान खराब हो जाता था और पोर्ट के पास शिप्स का ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता था। पोर्ट के ऊपर वर्कर्स भी लगातार स्ट्राइक करते रहते थे, सरकार को काफी लॉस उठाना पड़ता था और इसके अलावा भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस चीज से निपटने के लिए इसराइल की गवर्नमेंट ने अपने मेन हैफा पोर्ट के पास इको टर्मिनल को डेवलप करने का फैसला किया, ताकि मेन हैफा पोर्ट के ऊपर ट्रैफिक कम हो। उस नए टर्मिनल का नाम रखा गया हैफा बे पोर्ट, जो कि इसराइल की सरकार द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले हैफा पोर्ट के पास ही था। हुआ ये कि साल 2018 में इसराइल ने अमेरिका समेत सभी वेस्टर्न देशों को चौंकाते हुए इस नए हैफा बे पोर्ट का काम दिया एक चाइनीज कंपनी को, जिसने इस हैफा बे पोर्ट टर्मिनल को डेवलप किया, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की और साल 2021 में इसको ऑपरेशनल करके ऑपरेट करना स्टार्ट किया। उस समय इसराइल को काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था, अमेरिका से भी काफी प्रेशर आया था, लेकिन इसराइल ने चाइनीज कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया और आज भी हैफा बे पोर्ट टर्मिनल को चाइनीज कंपनी ऑपरेट कर रही है, जबकि मेन हैफा पोर्ट अभी भी इसराइल की गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर रही थी। जब तक ये नया टर्मिनल डेवलप हो रहा था, तब तक पुराने हैफा पोर्ट के ऊपर ही ट्रैफिक आता था, लेकिन काफी सारी परेशानी उठाने के बाद जब हैफा बे पोर्ट का काम खत्म होने वाला था, तकरीबन 2 साल पहले इसराइल की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से हार मान ली और अपने मेन हैफा पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ देने का फैसला किया गया, यानी प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला किया। आपको जानकर खुशी होगी कि मेन हैफा पोर्ट को हैंडल करने के लिए जो टेंडर प्रोसेस चल रहा था, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देशों की कंपनीज लिस्ट में शामिल थी, लेकिन उसमें भारतीय कंपनी को फाइनलाइज कर लिया गया है और अब इसराइल की गवर्नमेंट ने मेन हैफा पोर्ट के सारे ऑपरेशंस भारत की कंपनी को ट्रांसफर कर लिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने इसराइल के मेन हैफा पोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी पोर्ट्स और इसराइल की लोकल लॉजिस्टिक्स कंपनी गेडोट दोनों ने मिलकर इस हैफा पोर्ट के लिए 1.18 बिलियन डॉलर्स की बोली लगाई थी। ये टेंडर प्रोसेस पूरे 2 साल तक चला था। अब बाकी कंपनीज ने क्या बोली लगाई थी वो तो खैर सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन इसराइल की गवर्नमेंट का कहना है कि मेन हैफा पोर्ट की प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट प्लेयर्स के बीच कंपटीशन और भी बढ़ेगा और मेन पोर्ट के ऊपर भी वेटिंग टाइम को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी, इसलिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला किया। इस पोर्ट को अब अडानी पोर्ट और गेडोट दोनों मिलकर साल 2054 तक ऑपरेट करेंगे। इस कदम से सबसे बड़ा झटका लगा है चाइनीज कंपनी को, क्योंकि मेन हैफा पोर्ट के प्राइवेटाइजेशन से अब हैफा बे पोर्ट को ऑपरेट करने वाली चाइनीज कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना पहले अनुमान लगाया जा रहा था। चाइनीज कंपनी को लग रहा था कि हैफा का जो पोर्ट है वो तो इसराइल की सरकार के पास है, जिसको वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है, और हैफा बे पोर्ट जो चाइना की कंपनी ऑपरेट कर रही है वो उसको अच्छे से ऑपरेट करेगी और सारा ट्रैफिक उसके ऊपर आएगा। लेकिन इसराइल की गवर्नमेंट ने भी नहले के ऊपर धैला मारकर मेन हैफा पोर्ट का काम अडानी पोर्ट्स को दे दिया है, जो पहले से ही इस फील्ड में महारत हासिल किए हुए है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी बिल्कुल सही पॉलिसी है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।